Good morning, student. So in the previous video we already completed lesson statistic. So today we are going to take the new lesson, that is the probability. So probability lesson you already learned in the 9th standard, already in the 8th standard also. Okay, so from the 7th, 8th standard, 9th standard you already learned about the probability. Probability in the sense chance. Number of time we use the probability word, possibilities, probability, chance. Okay, now if I take a coin and toss the coin, मैंने एक रुपए का coin लिया, उसको toss किया. अब toss करने के बाद या तो head आएगा या फिर tail आएगा, मगर कोई exactly बोल नहीं सकता कि head ही आएगा या फिर tail ही आएगा. It means that there is the 50% chances head appear and the 50% chances tail appear. Means the result जो हमने एक रुपए का कॉइन उछाला है, वो एक रुपए के कॉइन से हमको दो रिजल्ट मिलते हैं, आइदर हेड और टेल, मगर दोनों जो रिजल्ट है वो इक्वल है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ इक्वली लाइकली इवेंट. इक्वली लाइकली इवेंट, तो इसमें कुछ टर्म्स है एंड दैट टर्म्स आई विल एक्सप्लेन हियर वन बाय वन. व्हाट इज द what the term says, that I will explain one by one. So first one is an event, E-V-E-N-T, event. Event, ये event क्या क्या होता है? Event का मतलब होता है, जैसे एक आप कोई example है, कोई एक event है, जैसे शादी का event है, okay? ये totally related with the set, यानी जो set, ये जो concept आया है maths में, ये set से related है. ओके, तो आप 10th में 11th में पढ़ोगे व्हाट इज मीन बाय द सेट्स, व्हाट इज मीन बाय द डोमेन, व्हाट इज मीन बाय द कोडोमेन, ये सभी फंक्शन, ये सभी इंफॉर्मेशन यू विल लर्न इन द 11th स्टैंडर्ड. तो उसके पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी में कुछ चीजें देखते हैं. इवेंट, तो इवेंट क्या है? एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं कि आपके घर में शादी का इवेंट है या फिर किसी के घर में शादी का प्रोग्राम है. सो दैट बिकम द इवेंट. अब इवेंट में एक ही नहीं होता, कोई भी एक ही प्रोग्राम होता है क्या? नहीं, सगाई होती है, शादी होती है, तो शादी में बहुत सारे मेहमान आते हैं. मेहमान एक ही तरह से नहीं रहते, दूल्हे की तरफ से अलग मेहमान, दुल्हन की तरफ से एक अलग मेहमान, उसके बाद में रस्में होती है, अलग अलग रस्में होती है, शादी की खास रस्म, उसके बाद में फेरे की रस्म, ऐसे अलग अलग रस्में होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ इवेंट. तो यहां पे भी हम लोग इवेंट के तौर पे मानेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं मैं आपको. जैसे मैंने बोला है कि वन कॉइन टॉस, एक कॉइन है, एक रुपए का कॉइन है, और ये एक रुपए का कॉइन को मैंने टॉस किया, और टॉस करने के बाद में मैं बोल रहा हूं कि नहीं, हेड अपीयर. अब मुझे तो पता है कि पॉसिबल आउटकम कितने हैं इसके, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, मगर मैंने इवेंट क्या बोला, ए विद द इवेंट in which only head appear. तो मेरा event क्या बना? Head. तो head कितना दिखा मुझे? Only one. So we will get here only one H. Correct? वैसे मैं आपको बार बार बताऊंगा, जैसे example के तौर पे दूसरा एक example दिया मैंने, एक point toss किया तो H और T मिल गया. पहले मैं वो explain कर दूं आपको कि कैसे कैसे आउटकम्स मिलेंगे वो. तो इवेंट मीन समझ में आ गया, इवेंट का मतलब ऐसा एक कोई भी आउटकम बोलो, या फिर ऐसा कोई प्रॉपर फिक्स्ड, ऐसा ये बोलो, डिफाइन बोलो, कि जिसमें हमको वही चीजें देनी है. जैसे अ डाई इज थ्रोन, हमने बोला अ डाई इज थ्रोन, एक डाई, डाई को 6 पेसेस होते हैं, तो डाई थ्रोन किया तो आपको क्या मिलेगा? या तो वन दिख सकता है या फिर 2, 3, 4, 5 and 6, बस इतने ही नंबर आ सकते हैं. कि इसके अलावा भी आ सकते हैं, 7, 8, 9, 10 आ सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं आ सकते, क्योंकि वो जो है खेलने वाला जो डाई रहता है उसमें 1 से लेके 6 तक ही डॉट्स रहते हैं. जैसे एक फेस में 1 रहेगा, उसके अपोजिट फेस में 5 रहेंगे, तो इस तरह से डॉट्स होते हैं.
तो यहां पे मैक्सिमम डॉट्स कितने हैं एक फेस पे? सिक्स, और मिनिमम डॉट्स कितने हैं? वन. अब मैं इवेंट बोल रहा हूं, बी बी द इवेंट दैट ओनली इवन नंबर अपियर. ये इवेंट हो गया, केवल इवन नंबर आनी चाहिए. अब इवन नंबर आनी चाहिए में इवन नंबर कौन से है? 2, 4, 6, तो तीन ही नंबर दिखेंगे. तो ये जो इवेंट है बी इवेंट में कितना है यहां पे? 2, 4, 6, यानी यहां पे तीन ही आ गए. समझ गए? अब इवेंट चेक करो, अब शादी का इवेंट ले रहा हूं, हमें एक इवेंट में लेना है ओनली ये क्या जो वर पक्ष होता है, मींस जो क्या बोलते हैं उसको, दुल्हन, सॉरी दूल्हे, दूल्हा. तो ये दूल्हा जो है दूल्हे के घर की फैमिली या फिर दूल्हे के रिलेटिव. शादी में सब लोग एक जगह पे है, इसमें से मैंने चुना है, इवेंट चुना है ओनली द पर्संस हु आर रिलेटेड विद द दूल्हा. मींस ऐसे पर्सन को हम चूज कर रहे हैं कि जो दूल्हे से रिलेटेड है. तो उसमें कौन आएंगे? जो दूल्हे के घर के जो दूल्हे से रिलेटेड लोग हैं, दूल्हे के मामा, चाचा, नाना, नानी, दादा, दादी, पिंटू, चिंटू, गिंटू, सब आएंगे ऐसे. तो ये एक इवेंट बन गया, ये एक नया बॉक्स बन गया अपना. ओके, सो इन दिस वे तो ये आ गया आपका इवेंट. उसके बाद में देखेंगे, इवेंट के बाद में आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट. ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये इसको समझ लो अच्छे से, ये समझना बहुत जरूरी है. व्हाट इज मीन बाय द रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहेंगे आप, वो देखो. ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको पॉसिबल आउटकम पहले से पता होते हैं, एंड एक्सपेरिमेंट इन विच वी नो द पॉसिबल रिजल्ट इन द एडवांस. पॉसिबल रिजल्ट, नॉट एग्जैक्ट रिजल्ट. आपको रिजल्ट, पॉसिबल रिजल्ट पता रहते हैं मगर एग्जैक्ट पता नहीं रहते कि यही आएगा. एक कॉइन को मैंने टॉस किया, आप बोल सकते कि हाँ या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, मगर ये बोल सकते हैं क्या? नहीं, हेड ही आने वाला है, नहीं टेल ही आने वाला है. ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? बिल्कुल भी नहीं. मीन्स हम ये बोल सकते कि हाँ यस, दो पॉसिबल रिजल्ट है वहां पे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. एक डाई को मैंने थ्रो किया, हाँ हो सकता है वन आ सकता है, हाँ टू भी आ सकता है, यस कोई बोलेगा तीसरा, थ्री भी आ सकता है, कोई चौथा लोग बोलेगा कि नहीं पांच आ सकते हैं, फाइव आ सकता है, फाइव डॉट्स आ सकते हैं, या फिर सिक्स भी आ सकता है, या फिर फोर भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है. मीन्स वन टू लेके छह तक यहां पे कोई भी आ सकता है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं. आप केमिस्ट्री लैब में गए, और ये केमिस्ट्री लैब में जाने के बाद आपको O2 गैस बनाना है, ऑक्सीजन गैस बनाना है. अब ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए आप जो मटेरियल डालने वाले हैं, जो केमिकल डालने वाले हैं, वो केमिकल वही डालेंगे जिसके कारण आपको ऑक्सीजन गैस मिलने वाला है. ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको ऑक्सीजन गैस चाहिए और आप कार्बन डाइऑक्साइड वाला केमिकल डाल रहे हैं, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है. मीन्स आपको रिजल्ट पता है मगर वो रिजल्ट कैसा है? एग्जैक्टली पता है वही रिजल्ट, मगर यहां पर रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है? रिजल्ट वी डोंट नो एग्जैक्टली, बट पॉसिबल रिजल्ट वी नो इन द एडवांस. तो एडवांस में मुझे पॉसिबल रिजल्ट पता है मगर एग्जैक्ट पता नहीं है. सो दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, अ कॉइन इज टॉस, टू कॉइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली, थ्री कॉइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली, अ डाई इज थ्रोन, टू डाइस आर थ्रोन, थ्री डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, दीज आर द रैंडम एक्सपेरिमेंट. ओके, नाउ इन द वन बैग देयर आर टोटल 15 बॉल्स, देयर आर टोटल 15 बॉल्स, 5 रेड, 5 ग्रीन, 5 येलो. टेक अ बॉल फ्रॉम द बैग, टेक अ बॉल फ्रॉम द बैग, बैग से एक बॉल उठा लो, बिना देखे हुए बॉक्स बैग से बॉल उठा लो. अब आप बोल सकते कि ये रेड आने वाला है, नहीं, मगर ये पता है मुझे या तो वो रेड आ सकता है, या तो येलो आ सकता है, या फिर ग्रीन आ सकता है,
मींस पॉसिबल रिजल्ट हमको पता है मगर हम वो एग्जैक्टली पता नहीं। और एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं यहां पर, रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमने टू डिजिट नंबर के चीट बनाए 10 से लेके 99 तक। टू डिजिट नंबर के ऐसे छोटे छोटे बिल्ले बनाए, चीट्स बनाए, और ये चीट्स को मैंने एक बाउल में डाल दिया। बाउल में डालने के बाद मैंने वहां से एक चीट निकाली आंख बंद करके या फिर ऐसे ही निकाल ली चीट, और देखा मैंने क्या दिखेगा, मुझे क्या दिखेगा, 77 दिखेगा, कुछ भी दिख सकता है, वहां पे 10 भी दिख सकता है, 11, 12, 13, कहां था 99 तक, इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आफ्टर दैट एलिमेंट्री इवेंट एंड द श्योर इवेंट, एलिमेंट एलिमेंट्री की जगह पे श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। अब मैंने आपको इवेंट के बारे में तो बता दिया कि इवेंट क्या होता है, श्योर के बाद में बताएंगे हम लोग श्योर इवेंट क्या होता है। श्योर इवेंट मीन्स बस वही आने वाला है, दूल्हे के घर तरफ के मेहमान, यस दूल्हे के तरफ के ही मेहमान आएंगे, दूसरे कोई नहीं आ सकता, दैट इज कॉल्ड एज अ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट में रैंडम एक्सपेरिमेंट और श्योर इवेंट, इसमें जो आउटकम्स होते हैं वो दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, फर्क नहीं होगा। उसके बाद में देखेंगे इंपॉसिबल इवेंट, ये हो गया श्योर, इंपॉसिबल। अब इवेंट, अब श्योर इवेंट में तो आपको समझ में आ गया कि नहीं, रैंडम एक्सपेरिमेंट में मैंने बोला कि नहीं दो कॉइन में टॉस कर रहा हूं, ओनली हेड अपीयर, तो यहां पे HH आ गया, ये एक ही है क्योंकि बाकी इसमें क्या है HT, TH और TT, तो यहां पे एक इवेंट आ रहा है तो श्योर है यहां पे, तो ये हो गया श्योर इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट देखो, मैंने एक कॉइन टॉस किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया मैंने, मुझे पता है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं इवेंट में, एन इवेंट ए इज अपीयर, टू अपीयर, यानी टू दिखना चाहिए, तो टू नंबर दिख सकता है क्या वहां पे। अरे जब मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूं तो मुझे या तो यश दिख रहा है या फिर टी दिख रहा है, टू नंबर कैसे आएगा, आएगा क्या। मैं दूसरा एक बोलता हूं कि नहीं जीरो अपीयर, तो जीरो दिखता है क्या वहां पे, नहीं फोर अपीयर दिखेगा क्या, फोर अपीयर नहीं। अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को मैंने थ्रोन किया और मैंने बोला कि नहीं वहां पे ओनली हेड अपीयर, तो डाय में 1 to 6 तक के नंबर है तो वहां पे हेड आएगा क्या, नहीं। सो दैट इवेंट इज कॉल्ड एज अ इंपॉसिबल इवेंट। तो इंपॉसिबल इवेंट में जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट रहेंगे वो रहेंगे आपके जीरो, ओके। उसके बाद में फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल, फेवरेबल इवेंट क्या होता है, फेवरेबल इवेंट, ये फेवरेबल इवेंट क्या होता है, फेवरेबल इवेंट मींस उससे रिलेटेड, ऐसा इतना कोई ज्यादा ये नहीं है। फेवरेबल मींस जैसे आपने एक डाई थ्रो किया 1 to 6 नंबर आए, अब मैं इवेंट बोल रहा हूं ओनली विच वन प्राइम नंबर अपीयर, अब प्राइम नंबर कौन से है, 2, 3 and 5, because one is neither prime nor composite, neither prime nor composite, okay? तो ये favorable event means जो हमारे पास में event है वो उसमें आना चाहिए, वो random experiment में आना चाहिए। अब favorable event होने के बाद में हम देखेंगे probability of an event, probability, probability of an event, probability of an event. Now what do you mean by the probability of an event? मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बोला यहां पे, एक एग्जाम्पल पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इवेंट, इवेंट ए इज इक्वल्स टू, ओके, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, number of outcomes
इन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ओके, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब ये क्या होता है, सी एक एग्जांपल में आपको समझा के दूंगा ये. ओके, सी हियर एग्जांपल में अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन. एक डाई आपने थ्रोन किया, आपको सैंपल स्पेस क्या होता है, जितने पॉसिबल आउटकम्स है उनका कलेक्शन भी सैंपल स्पेस. तो आपने सैंपल स्पेस में क्या 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो आपको दिखा यहां पे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन द सैंपल स्पेस इज 6. तो ये आ गया आपका 6. उसके बाद में इवेंट लिया, इवेंट में क्या बोल रहे हैं आप, इवन नंबर अपीयर. ओके, इवन नंबर अपीयर. अब इवेंट नंबर अपीयर मींस कौन से इवेंट नंबर आए, 2, 4 एंड 6. ये आ गया आपका 2, 4 एंड 6. कितने हैं यहां पे, एन ई इज इक्वल्स टू 3 दिखे, 1, 2, 3 दिखे. अब मैं यहां पे इस फॉर्मूले में डाल रहा हूं, व्हाट इज द पीई, पीई मींस क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ई ई का प्रोबेबिलिटी. क्या फॉर्मूला है मेरे पास, नंबर ऑफ आउटकम इन द इवेंट, कितने आउटकम होंगे इवेंट में 3, और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं टोटल 6, दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 1/2. सो दिस इज ऑफ योर प्रोबेबिलिटी. ओके, एंड द सेकंड थिंग इज प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1. प्रोबेबिलिटी ये कभी भी लेस देन और इक्वल्स टू 0, ये इक्वल्स टू means probability is always greater than or equals to 0 and less than or equals to 1. means किसी भी number का probability, किसी भी event का probability ये या तो 0 होगा या फिर 0 से ज्यादा होगा, और 1 होगा या फिर 1 से कम होगा. इसलिए हम बोलते हैं कि probability is also lies between 0 and 1. Now the next one is, so ये हो गया आपका probability. अब probability होने के बाद में outcomes कैसे लेते हैं, possible outcomes. Okay, possible outcome में number one, a coin is toss. एक coin को toss किया, ये coin है आपका. ओके, ये कॉइन को टॉस किया तो पॉसिबल आउटकम्स आपके 2 मिले. कौन से 2 मिले, या तो एच या फिर टी. तो पॉसिबल आउटकम्स बन गए आपके आइदर एच और टी. क्लियर. दूसरा, टू कॉइंस आर टॉस, नंबर 2, टू कॉइंस आर टॉस. टू कॉइंस मींस ये पहला टॉस किया मैंने, यहां पे एच दिखा, यहां पे टी दिखा, और एक कॉइन टॉस किया मैंने, तो यहां पे H, यहां पे T, यहां पे H, यहां पे T. समझ लो अच्छे से, यहां पे एक कॉइन टॉस किया तो ये दिखा मुझे, दूसरा कॉइन मैंने टॉस किया. देखो ना, आप सोचो ना जरा, दो कॉइन है मेरे पास, मैंने दोनों को टॉस किया, दोनों को टॉस किया तो यहां पे H आया, हो सकता है यहां पे H आया या फिर T आया, तो कॉम्बिनेशन क्या बना, H के साथ में H, H के साथ में T. हो सकता है यहां पे T आया हो तो T के साथ में H, T के साथ में T. तो कॉम्बिनेशन में चेक करो क्या हो गया, तो H H H T T H and T T. So these are the 4 combinations. और एक एग्जांपल 3, थर्ड वन, 3 कॉइंस टॉस, 3 कॉइंस टॉस. 3 कॉइन हमने टॉस किए, तो पहले कॉइन में क्या बन गया, ये आ गया एच टी बन गया. दूसरे बार कॉइन टॉस कर रहा हूं मैं, दूसरा कॉइन, तो क्या मिल गया मुझे, एच टी एच टी. और एक कॉइन टॉस कर रहा हूं क्योंकि 3 कॉइन टॉस किया मैंने, तो यहां पे मिलेगा एच टी, यहां पे भी मिलेगा एच टी, तीसरे कॉइन पे
पहले कॉइन पे एच, दूसरे कॉइन पे भी एच, और तीसरे कॉइन पे या तो एच आएगा या फिर टी आएगा। यहां पे भी एच टी, सॉरी टी, और यहां पे भी एच और टी। तो कॉम्बिनेशन चेक करेंगे क्या होता है। सी एच 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 टी एच एच टी, टोटल एट कॉम्बिनेशन, एच टी एच एच टी एच एच टी टी एच टी टी एच टी 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 एच एच टी एच एच टी एच टी टी एच टी, कंफ्यूजन है इसीलिए थोड़ा ध्यान से टी टी एच टी टी एच एंड टी 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 टी, टोटल एट कॉम्बिनेशन सर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे मैं इवेंट बोल रहा हूं ओनली हेड अपीयर, तो यहां पे ओनली हेड का मतलब केवल हेड ही दिखना चाहिए, इसका मतलब यहां पे आएगा ओनली वन, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा, ओनली हेड अपीयर का प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा, 1/8, क्योंकि टोटल आउटकम है 8 और ओनली हेड इवेंट का आउटकम रहेगा ओनली 1, सो दैट इज द प्रोबेबिलिटी इज 1/8। सो यू शुड राइट ऑल दीज थ्री थिंग्स इन योर नोटबुक सो दैट यू शुड अंडरस्टूड हाउ वी कैन फाइंड द पॉसिबल आउटकम्स इन द रैंडम एक्सपेरिमेंट।